शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से राहुल गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। रक्त रंजस शव को देखकर शादी समारोह में दहशत फैल गई। वारदात के बाद दो लोग सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए कैद भी हुए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अभिनव उपाध्याय के साथ। जी अभिनव, आखिर किस बात को लेकर गोली मारी गई है, क्या वजह थी इसके पीछे की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये थाना गोविंद नगर स्थित होटल लोटस ग्रैंड की पार्किंग की एक घटना है, जहां पे शादी समारोह के दौरान एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे शादी समारोह में सनसनी फैल गई। आपको बता दूं, ये जो पूरी जो घटना है रात्रि देर रात्रि की है, जहां पे शादी समारोह में एक राहुल गोस्वामी था, जो कि शादी समारोह में शामिल होने आया था दोस्त के साथ में, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसको गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद में जो लोग वहां मौजूद थे, भीड़ एकत्रित हुई और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई, वह एसपीसी की भी मौके पर पहुंच गई, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी टीमें मौके पर पहुंच गई। फिलहाल राहुल गोस्वामी के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया ये भी जा रहा है कि सीसीटीवी, जिस समय घटना हुई थी उस समय सीसीटीवी में दो लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा, जिसके लिए चार टीमें गठित भी कर दी गई हैं। जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, वहीं सीसीटीवी खंगाल रही है। जी अभिनव, अभी तक क्या इस बात का पता चल सका कि जो अज्ञात हमलावर है उन्होंने किस वजह से युवक को गोली मारी है? जी बिल्कुल, पुलिस का साफ तौर से कहना है जिस दोस्त के साथ में आया था उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि संदिग्धता को लेकर पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो अभी पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, और जो साथी युवक था उसको भी हिरासत में लिया गया, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं अलग अलग कई टीमें इस पर वर्कआउट के लिए काम कर रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जी जी अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि मथुरा में एक शादी समारोह में गोली मारकर राहुल गोस्वामी की हत्या कर दी गई। रक्त रंजित शव को देख शादी समारोह में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद दो लोग सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए भी नजर आए हैं। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपीसीटी, फॉरेंसिक टीम, पुलिस ने एक युवक को अपनी हिरासत में लेकर थाना अपनी हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना गोविंद नगर स्थित होटल लोटस ग्रांड की पार्किंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है।